प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लेनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा। लोग किया तो मैंने अभी एक पिया तो सुनने लगे मैं, मेरी शुरुआत हमारे बालेश्वर भाई ने हमारी एंट्री कराई थी। मैंने थिएटर किया, एक्चुअली मैं मिमिक्री भी आर्टिस्ट हूँ, मैं एंकरिंग करता हूँ, मैं शो करता हूँ। मैं अब जब यहाँ से गए तो मेरे माताजी मेरे पिताजी दोनों एक्सपायर कर गए एक साल के अंदर, तो मुझे छोड़ना पड़ा। हमने कहा बालेश्वर भैया आ गए, अब तो भैया धड़ाधड़ भोजपुरी भाषा में बात करो, डर लग रहा था यहाँ कोई मराठी में बोल रहा है कोई इंग्लिश में बोल रहा है। मैं बोला मैं तो चुपचाप बड़ा किनारे खड़ा था। आ गए तब से हम भोजपुरी बोलना शुरू कर देने, हम भैया आ गई ना तो भाई अपना मिमिक्री करके और अपना स्टेज शो करके एक बड़ा शो चलता है मेरा दिल। वो हमारे ग्रुप का नाम भी है उसमें ओम म्यूजिकल ग्रुप, जिसमें हमारे पास ना पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने की आर्टिस्ट हैं जो हम लोग शो करते हैं, उससे अपना पेट चलाते हैं। और उसमें हम पब्लिक को गांव गांव में जाके, हमने पूरे बिहार में, यूपी में, अभी हमारा गुवाहाटी में शो था, फिर दिल्ली किए और पानीपत, ऋषिकेश, हरिद्वार में हमारा पोस्टर लगता है। लोग बोलते हैं, जैसे कहने के तो बहुत कुछ बोलते हैं लोग कि जॉनी लीवर है, जॉनी लीवर है, कोई कहता है राजू श्रीवास्तव है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मैं शिवा शर्मा हूँ। मैं शिवा शर्मा बन के हंसाना चाहता हूँ कि भगवान ने मुझे इतनी दौलत दी है, और सबसे बड़ी दौलत ये है कि मैं दोनों आँखों से अच्छी तरह से देख सकता हूँ, मुँह से अच्छा बोल सकता हूँ, कान से अच्छा सुन सकता हूँ, मेरे दोनों हाथ अच्छे काम कर रहे हैं, पैर अच्छे काम कर रहे हैं, तो मुझसे ज़्यादा अमीर कौन है? भगवान ने उसी को गरीब बनाया है। करोड़ों अरबों रुपया किसी के पास में, अगर लोग पैरालिसिस है तो सबसे ज़्यादा गरीब है। बस यही कहूँगा कि शिवा से मेरी मुलाकात करीब 15 साल हो गया, 18 साल हो गए, 2004 में, चार में एक फिल्म हम लोग करने गए थे, 2003-04 में भैया हमार हाँ, मनोज तिवारी जी की लाला दमानी फिल्म थी, और मनोज तिवारी उस समय बहुत बड़े स्टार थे, मतलब और मेरे गांव में शूट हो रही थी, वहीं शिवाजी से मुलाकात हुआ। शिवाजी ने जो मेरा हेल्प किया उस टाइम, और उसके बाद साथ हम लोग काफ़ी काम किए, ऐसा नहीं 3-4 फिल्में तो हम लोग किए ही थे उस बीच में, 4-5 फिल्में। और शिवाजी की एक्टिंग की प्रतिभा मुझे दिखी, एक फिल्म कर रहे थे हम लोग पिया तो सुनाना लगे, बहुत बड़ा कुछ नहीं था लेकिन एक सीन इनके लिए निकाला गया, ये सेट पे जा करके बता दें कि मैं एक्टर हूँ, डायरेक्टर मजबूर हो गया इनके लिए उस सीन बनाने के लिए। वो थे बालकिशन जी, और बालकिशन जी ने एक स्पेशल इनके लिए सीन बनाया, सिर्फ इनकी एक्टिंग देख करके, कॉमेडी देख करके उन्होंने एक सीन बनाया पागल, बड़ा मजा भी आया, और मुझे काम पागल जो मैंने पागल का किया, अभिनय किया तो सारे लोगों ने ताली बजाया, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छे एक्टर है नो डाउट, और अब फिर से ये कमबैक किए हैं, अच्छा लग रहा हम लोगों को भी कि मतलब अच्छा आर्टिस्ट जो है भाग गए थे इंडस्ट्री छोड़ के फिर से वापस आए हैं। इंद्राशन जी हैं और ये अश्विनी चौबे जी हैं, बड़े अच्छे मतलब आर्टिस्ट भी हैं, और ये लोग इनकी फर्स्ट फिल्म है, खैर इनकी तो दूसरी है, इन्होंने दिल दिया है जान भी देंगे करें, और इनकी पहली फिल्म है, ऑलरेडी एक प्रोड्यूसर है इनकी, अगली नेक्स्ट अपनी इनकी अपना एक मूवी जा रही है सेट पे, शिवा और शंकर का ये इनका शुरू कर रहे हैं। शिवा शंकर जैसे उसमें ये है कि शिवा का कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, और किरदार होगा आपका, हाँ, और हमारी दिल दिया है जान भी देंगे उसमें भी मैंने अपना नाम ही रखा है शिवा, और उसका मैं अभी आपको गाना भी दे दूंगा, उसके कुछ पोस्टर्स भी आ गए हैं, 26 जनवरी को रिलीज़ भी है। और सबसे बड़ी बात है कि शिवा और शंकर का जो जो स्टोरी है वो बड़ी ट्रिपिकल स्टोरी है, शिवा मैं कर रहा हूँ और शंकर का हम लोग ने विनय आनंद जी से बात किया हुआ है, और जैसे फाइनल होता है तो अब स्टोरी के बारे में बता नहीं सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो डायरेक्ट पब्लिक के बीच में जाए वो स्टोरी, वैसे तो आप लोग से कुछ ही छिपाया नहीं जा सकता, एक डॉक्टर से, एक भगवान से और एक मीडिया से कुछ ही छिपाया नहीं जा सकता, आप लोग बाप हैं आप लोग से कुछ ही छिपाया नहीं जा सकता, दिल दिया है जान भी देंगे जी, इस फिल्म के बारे में कुछ बोल करना चाहिए? हाँ, दिल दिया है जान भी देंगे एक ऐसी फिल्म ये कम्प्लीट हो रही है, अब बनी है कि जैसे कि बहुत पहले नदिया पार एक फिल्म आई थी, और सेम नदिया के पार के बाद अगर कोई अच्छी फिल्म आ रही है, मतलब कि साफ़ सुथरी, जिसमें आपको नंगे सीन नहीं है, कोई गंदा डायलॉग नहीं है, कोई गंदे गाने नहीं है, एकदम साफ़ सुथरी बनाई गई है कि जहाँ पे ना एक एक अच्छी फैमिली, जो पढ़ी लिखी फैमिली है, जो भोजपुरी पे देखने जाती है, बोलते हैं अरे क्या जाएंगे गंदे गंदे गाने हैं और ये वो, तो मैं इसके खिलाफ हूँ, मेरी जो भी फिल्में मैंने कर रहा हूँ उसमें कहीं कोई गंदे गाने नहीं मिलेंगे, अगर आइटम सॉन्ग भी है एंटरटेनमेंट करने के लिए, हम छोटे मजदूरों के लिए, उनका भी एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी है, लेकिन हम चाहेंगे कि मतलब गंदे गाने ना हो, और मेरी फिल्म में कई गंदे गाने नहीं हैं, दिल दिया है जान भी देंगे जिसके शमीम शहीद डायरेक्टर हैं और विनोद सम्राट प्रोड्यूसर हैं और आदित्य मोहन हैं और भावना सिंह चौहान हैं
हमारे अश्विनी चौहान जी, असली अश्विनी चौबे जी ये विलन है उसमें, विलन ग्रुप में सेकंड विलन ये है उसमें। तो काफ़ी अच्छी मूवी बनी है और माता रानी की कृपा रही और पब्लिक की आशीर्वाद रहा, तो हमको लगती है पिक्चर बहुत अच्छी है और पूरी फैमिली बाल बच्चों के साथ में, बहन बेटी के साथ में बैठ के देख सकते हैं, नो डाउट एकदम प्लेन एकदम साफ़ सुथरी फिल्म बनी है। जो अभी भी मेरे बड़े भैया शिवा शर्मा जी बताए हैं, सेम वही नदिया की पार, और फिर ये इतने दिन गैप के बाद ये ऐसी फिल्म आई है कि लोग पर्दे पे जाके परिवार के साथ देख सकते हैं। फिल्म मेरा सौभाग्य है कि मेरे बड़े भैया हैं शिवा शर्मा जी, बालेश्वर यादव जी और शंभू जी पांडे जी, कि ये सौभाग्य मिला है, मेरी दूसरी फिल्म है। तो अभी तो मैं कल ही आया हूँ, भैया जी बुलाए हैं, शंभू पांडे जी बुलाए हैं, अब देखते हैं आगे। Planet Bhojpuri.